हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 2 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो अभी शाम के बज गए 4:30 और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। आसमान में बादल है। मैं जा रहा हूँ ढोनीगाड़ या सुगराड़ या लोध, पता नहीं कहाँ जाऊँगा, मुझे भी नहीं पता। मुझे ये कैलाश भाई को कैमरा देना है, तो इसको लौटा आता हूँ, कैलाश भाई को कैमरा दे आते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि लोध गोलू मंदिर में चला जाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी 2 दिन का मेला लगने वाला है। 15 और 16 को मेला लगेगा, बहुत भव्य मेला इस बार होने वाला है। तो हो सकता है वहाँ चला जाऊँ कुछ देर, थोड़ी वहाँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ नहीं गया तो कैलाश भाई के घर में जाऊँगा, अगर कैलाश भाई घर में होंगे तो, क्योंकि उन्होंने भी एक नया काम शुरू किया है मुनाल का, जिसमें वो दालें हो गया, चावल हो गया और पहाड़ का बहुत सारा प्रोडक्ट पैक करके, बढ़िया पैकिंग करके और बहुत बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। अभी हाल में लॉन्च नहीं हुआ है अभी, लेकिन पैकिंग वगैरह शुरू हो गई है। तो मोनाल करके है, उसको दिखाने की कोशिश करूँगा कैसा उनका काम चल रहा है, देखते हैं क्या क्या होता है। मुझे खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं करके। तो दोस्तों, अभी पहुंच गया हूं मंदिर में और यहां पे मेला समिति की मीटिंग चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो हम थोड़ा लेट पहुंचे। तो अभी मीटिंग हो गई है लोगों की, फिलहाल आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। बच्चे भी हैं यहां पर और मंदिर में तो कोई नहीं है बच्चे, लेकिन फुटबॉल खेल रहे हैं। ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ पूरा मेला वेला लगेगा और लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और ये हैं बच्चे जो खेल झूल रहे हैं झूला। राजू ने की व्लॉग ठीक छू ठीक छू वो देखिया। तो दोस्तों, ये है गुरु देवता जी का मंदिर, दिखाता हूँ आपको। आज पहली बार यहाँ व्लॉग बनाने आया हूँ। मैंने कहा कैलाश भाई को कैमरा देना ही है, इसी बहाने मंदिर में भी होएंगे। ये देखिए, ये मंदिर है दोस्तों गोलू देवता जी का, और यहाँ की एक अलग स्टोरी है, कहानी है पौराणिक, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ना बताऊँ, कोई और बताए जो यहाँ के ज़्यादा जानकार हैं। हालांकि मुझे पता तो है कि वो स्टोरी क्या है, अगर कोई जानकार नहीं मिलेंगे तो मैं खुद बता दूंगा आपको। तो ये मंदिर है दोस्तों, और एक पुराना पेड़ है यहाँ पे, चबूतरा बना रखा है बैठने के लिए। ये हैं गोलू देवता जी, जो हमारे न्याय के देवता होते हैं, पूरे उत्तराखंड के न्याय देवता। जब किसी को कहीं पर न्याय नहीं मिलता तो गुरु देवता के दरबार में जाते हैं लोग। तो बहुत दूर है, मूर्ति उतनी साफ आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। बता देता हूँ कि सफ़ेद घोड़े में हमेशा सवार रहते हैं, तो सफ़ेद घोड़े में बैठे हैं और सफ़ेद पगड़ी पहनी हुई है। बहुत दूर मूर्ति है, देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो अंदर का, मेरे ख्याल से अंदर जो मंदिर है, ये पुराना मंदिर है, उसके बाहर एक नया ये जॉइंट किया है। तो पहले अंदर छोटा रहा होगा मंदिर, अभी इसको बढ़ा दिया गया है। मतलब इस मंदिर को भी काफी टाइम हो गया है जो नया वाला है। ये देखिए, एक और मंदिर यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये देवी मंदिर है, देख सकते हैं आप, शायद काली माता की मूर्ति है बीच में, ये वाला जो मंदिर है। ये देखिए, तो जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि अगर कोई सयाने बुजुर्ग में यहाँ पे मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे मंदिर की जो पुरानी ऐतिहासिक बात है वो जानने की कोशिश करूंगा। बूजी प्रणाम। आपको नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा नाम शंकर था। तो बूजी, ये बताइए कि इस मंदिर की जो कहानी है वो क्या हुई असल में?
इसकी कहानी है हमारे गुजर के जो थे पहले हम भी वही चंपात में रहते थे। अच्छा आप लोग हम लोग या फिर पूरे एरिया वाले या फिर यहीं के लोग? केवल हम ही लोग पाटनी लोग। अच्छा पाटनी लोग। हाँ अच्छा तो वे लोग यहाँ वहाँ से जब यहाँ आए तो इन्होंने यहाँ आके वहाँ चंपात गुरु का इतिहास पूरा बता दिया इनको। अच्छा ऐसे ऐसे देता है उनके ऐसे ऐसे फल मिलते हैं ये कि वो कहानी जब उनको बताई तो यहाँ से बिंता से हरुखेड़ वहाँ पहुँचे। अच्छा हरुखेड़। हाँ तो गोल देवता का ये वहाँ से छोटा सा लिंग लाए वो। अच्छा तो पाग में रख के लाए वो। पाग में हाँ, सर में सिर में पाग में लाए। अभी वह मूर्ति वहाँ उदयपुर में है। उदयपुर में तो गोल जो आते आते पता नहीं कितने दिनों में यहाँ पर पहुँचे। उस समय का है ये सहतूत का पेड़। अच्छा सहतूत का पेड़ है उस समय। हाँ इस पेड़ में उन्होंने आराम किया। अच्छा उनको यहाँ पर नींद आ गई। अच्छा तो वो लिंग उनके पार्क से खो गया। अच्छा जब से नींद खुली उसने देखा वो लिंग ही नहीं है। हरुखेड़ा जी ने आराम किया। हाँ हरुखेड़ा ने आराम किया। नहीं मिला तो उसने बहुत विनय किया, हाथ पांव जोड़े और रोने लगा। तो आकाशवाणी हुई उनका, तू मुझे ला रहा है, मेरा मन यहाँ पर बस गया है। अच्छा तो लोक के स्थल में गोलू का मन बस गया है। अच्छा तो यहाँ की मन बसे का पूजा होती है यहाँ पर। अच्छा अच्छा और उससे बोला अब मैं तेरे पार्क में नहीं आऊंगा। अच्छा अब तू डोली ला, नगरी निशाने ला, तब मैं उदयपुर चलूंगा। अच्छा तब यहाँ से डोली और निशान लेके उदयपुर तब ले गए हो। तो उनको पूजा बराबर खाते, यहाँ लोग मन बसे का पूजा है, वहाँ लिंग की पूजा है। अच्छा ये कहानी है। तो कितने 7-8 पुस्तें होगी? हाँ 8 पुस्त तो हमको ही हो गए यहाँ। अच्छा आए हुए आप, ये पेड़ उससे पहले का है अभी। अच्छा बहुत पुरानी बात होगी। बहुत पुरानी बात। धन्यवाद बुबू जी। तो दोस्तों बुबू जी के मुँह से आपने यहाँ की पौराणिक कहानी सुनी, पुरानी कथा सुनी। तो उसका मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आई। तो बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे, पाटनी लोग, वो कह रहे हैं कि आए थे बहुत पहले समय में चंपावत से। तो जब वो वहाँ से यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों से, वहाँ के जो गुरु देवता जी थे उनका वर्णन किया। तो यहाँ से बिंता से, बिंता यहीं पे है, तो बिंता के कुछ लोग उनमें से हरुखेड़ा कह रहे हैं कि हरुखेड़ा यहाँ से चंपावत गए, उन्होंने सोचा कि वहाँ से गुरु देवता की एक मूर्ति ले आते हैं, उसको हम उदयपुर में उसकी प्रतिष्ठा करेंगे, जो कि उदयपुर में अभी बहुत भव्य गुरु मंदिर है भी। तो जब वो वहाँ से लाए उस मूर्ति को तो उन्होंने इस पेड़ के नीचे या फिर यहीं आसपास में कहीं विश्राम किया होगा। तो कहते हैं कि वो मूर्ति तब गायब हो गई। तो जब विश्राम के बाद उनको नींद आ गई, तो उसके बाद जब उठे तो मूर्ति उन्होंने गायब देखी। तो फिर उन्होंने विनती की, पूजा की कि कुलदेव है, कुलदेव आप कहाँ चले गए, किधर चले गए। विनती की, पूजा की, तो स्वप्न में या फिर स्वप्न में आए होंगे शायद, कहते स्वप्न में, ये कहते आकाशवाणी में। तो स्वप्न में या फिर आकाशवाणी में या फिर उनकी चित्त में जैसे भी आए, गुरु देवता आए, उन्होंने कहा कि जहाँ पर आपने विश्राम किया था वो स्थल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उस स्थल पर मेरा एक मंदिर बना दीजिए। तो एक मंदिर उनका यहाँ बना और एक बना उदयपुर में। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अब यहाँ से आप मुझे उदयपुर तक डोली में ले जाओ और दमू नगारे जो हमारे यहाँ का वाद्य यंत्र होता है उसके साथ, और क्या बोलते हैं निशान विशान जो ध्वज होते हैं उनके साथ यहाँ से वहाँ मेरी प्रतिष्ठा करो। तो ऐसी यहाँ की मोटा मोटी कहानी है। तो फिलहाल अभी बहुत देर हो गई है और निकलते हैं, कैलाश भाई को कैमरा वैमरा देते हैं, घर भी जाना है, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये भी हो गया शाम का 7:30 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ लोद से घर। घर आते हुए बारिश हो गई थी तो मैं रास्ते में कहीं ब्लॉग बना नहीं पाया, बहुत तेज बारिश हो गई थी। कैलाश भाई के यहाँ पे रुके, थोड़ा चाय वाय पी, फिर नीचे को आ गए थे। तो आज लोद में छोटी सी मीटिंग थी जो मेला समिति है, मतलब मंदिर कमेटी की जो मीटिंग थी, उसमें यही निर्णय निकला है कि 15-16 को बढ़िया एक मेला होना है। और माया उपाध्याय जी आ रही हैं और हेमाया जी आ रहे हैं, दोनों काफ़ी अच्छे गायक गायिकाएं हैं, हमारे कुमाऊनी में और पूरे उत्तराखंड में फेमस हैं। तो बहुत अच्छा इस बार का मेला होने वाला है, ऐसी मुझे थोड़ा थोड़ा वो आ रही, वाइब्स आ रही है। तो देखते हैं कैसा मेला रहता है और हम भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। फिलहाल आज के ब्लॉग को दोस्तों करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपने अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। मैं घर पहुँच गया हूँ और गए भैंस।
बांधने हैं अंदर, देख सकते हैं वेट कर रहे हैं मेरी बांधने का। निमकी को देख सकते हैं आप और बैल भी दिख रहा होगा आपको। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, टाटा।